मोटरसाइकिल मेरी गाड़ी मोटरसाइकिल के आगे लगा दी। इतनी देर में ही उसमें से आदमी उतरा और अपनी जेब से उसने पिस्तौल निकाला। उन्होंने कहा बाइक छोड़ फटाफट, बाइक छोड़ दे फटाफट, नहीं तो मार देंगे जानते हैं। और यही जो वारदात की जगह है वो यहाँ है, बाकायदा इनके द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो वारदात है उसको अंजाम। इन्होंने आज तो बहुत मचा दी, इन्होंने रिक्वेस्ट भी करी भाई साहब छोड़ दो गोली मत मारना, आप तीन फायर किए यहाँ पर। पुलिस ने तो यही कहा कि यहाँ तो कोई फायर वगैरह तो हुआ ही नहीं, थप्पड़ मारे वाले सिर पे, और फिर मैंने किलकी मारी बहुत जोर की, और मैं वहाँ से मैं भाई रोक रहे थे, बोले थम तो निकल लो यहाँ से, पिस्तौल दिखा दिया, हाथ जोड़ लिया उसके आगे, मैं कोई चाबी दे दो इसको, अरे नहीं तो मार देंगे गोली। फिर मैंने चाबी दे दी खोस के और उससे दे। नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है, मैं हूँ अमित अमन। कोसली में कल रात सरेआम गोलियां चली और लूटपाट हुई है, उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पहुँचे हैं। जिनके साथ वो लूटपाट हुई उनके पास हम मौजूद हैं और उनसे जानने की अभी कोशिश करेंगे कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। आप अपना सर नाम बताएं और आपके साथ कल क्या हुआ, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम पवन कुमार है, मेरा गांव कनेड़ा है, और मैं एक बाइक लेने के लिए कल गुड़गांव गया था सुबह, तो वहाँ से मैंने बाइक ली है, तो वहाँ से बाइक वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे काम करवा के वहाँ से करीबन 4:30-5 बजे मैं वहाँ से चला हूँ जी। वहाँ से चलने के बाद में क्या है कि वहाँ से चला मैं बिलासपुर, बिलासपुर से आगे पटौदी रोड है, पटौदी रोड के ऊपर अपनी जो बहन है वो वहाँ है, जो शादी हुई थी अभी 2 महीने पहले, तो मेरे को क्या है उसको लेके आना था। तो बिलासपुर होते हुआ मैं सीधा ऊँचा माजरा से अपनी सिस्टर ली, हमारे पास 2 बाइक थी, जो एक बाइक हम लेके गए थे और एक वहाँ से ली थी गुड़गांव वहाँ से। हमने वहाँ से चले ऊँचा माजरे से अपनी सिस्टर को साथ लिया, वहाँ से हम जैसे पालावास चौक से गुड़ियाणी, और गुड़ियाणी से सीधा कोसली। जैसे ही हमने ये जो गांव है ये क्रॉस किया, तो वहाँ से जो पहले जो पुराना कोर्ट हुआ करता था जी, तो उससे थोड़ा सा जस्ट आगे 2 बाइक थी, उस पर करीबन 4 आदमी थे, वो हमारे आगे आगे चल रहे थे, तो हमारी बाइक भी धीरे चल रही थी, ज़्यादा तेज नहीं चल रही थी। तो क्या है कि हमने वो जो बाइक है वो क्रॉस कर दी, हमने आगे निकाल दी। उसके बाद में जस्ट यहाँ आके जो अपना ये है, ये जो कोर्ट है, इससे आगे आके ये पावर हाउस लगता है, यहाँ ये पावर हाउस के पास उन्होंने क्या है कि मोटरसाइकिल मेरी गाड़ी मोटरसाइकिल के आगे लगा दी। उनने जैसे मतलब मेरे को अभी नया जैसे मतलब अबे क्या हुआ, क्या कौन हो आप, इतनी देर में ही उसमें से आदमी उतरा और अपनी जेब से उसने पिस्तौल निकाला। उन्होंने गोलियां भी चलाई? हाँ, गोलियां चलाई हैं, फायर की हैं मेरे ऊपर। तो उनमें से आदमी उतरे बाइक ऊपर से और उन्होंने कहा बाइक छोड़ फटाफट, बाइक छोड़ दे फटाफट, नहीं तो मार देंगे जानते। तो जी ऐसा है, हमारी सिस्टर थी साथ, एक लड़का जो मेरे साथ गया था वो भांजा है, ठीक है। इन्होंने आए तो बहुत मचा दी, इन्होंने रिक्वेस्ट भी करी भाई साहब छोड़ दो गोली मत मारना आप, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती मेरे से चाबी छीन ली, चाबी छीनने के बाद में वहाँ से चले गए। उन्होंने यहाँ पर तीन फायर किए हैं यहाँ पर जी। तीन फायर करने के बाद में जैसे ही उसे चाबी छीन ली और यहाँ से होते हुए वापस कोसली की तरफ वो भाग गए जी। क्या है कि जस्ट कुछ 10-15 सेकंड के बाद में PCR आई उस साइड से, रेलवे स्टेशन की साइड से आई। तो मैंने वो यहाँ से निकलते हुए जैसे देखी तो एकदम हाथ दिया मुझे, से मैंने आवाज़ दी, तो उन्होंने गाड़ी रोक ली। उन्हें क्या बात है, मैंने भाई बाइक ऐसे ऐसे बाइक लेके गए हैं यहाँ से और छीन ले गए, उन्होंने मेरे पर गोली चलाई। तो गाड़ी में मैं बैठ के आगे तक गया हूँ, जहाँ तक ये जो अपना टी पॉइंट है जो गुड़ियाणी की तरफ जाता है वहाँ तक PCR उनके पीछे भी गई है, लेकिन वो पहले ही वहाँ से कट मार चुके थे। उसके बाद में हमें यहाँ से फिर इस जगह पर बुलाया गया और यहाँ से देखने के बाद फिर थाना में चला गया, वहाँ पर उन्होंने कुछ जो भी है कानूनी कार्रवाई की। हाँ जी, आपसे किस किस की लूटपाट हुई, क्या क्या चीज़ आपसे छीनी गई? देखो ऐसा है, मैं मोटरसाइकिल के ऊपर अकेला था और मेरी मोटरसाइकिल के ऊपर बैग रखा था सिस्टर का, जिसमें उसका सारा सामान था, उसके जैसे मतलब +2 की जैसे मतलब सर्टिफिकेट थी, और इसका जो कपड़ा था और उसमें समथिंग 1000 रुपये था, ठीक है। और जैसे सा और जैसे आपकी जो बाइक है उसको भी ले गए? बाइक ले गए जी। हाँ जी, बाइक ले गए, अपाचे थी, RTR थी,
वाइट कलर की 160 जी, उसको ले गई। फिर पुलिस वालों ने क्या किया, जब आपने पुलिस को यहाँ पे रोका, उनको बताया, तो उसके बाद घटना क्या हुई? पुलिस ने तो यही कहा कि यहाँ तो कोई फायर वगैरह तो हुआ ही नहीं। मैं सर आप कैसे कह सकते हो यहाँ नहीं तो कोई लाइट है, स्ट्रीट लाइट है नहीं, जैसे कोई वहाँ पर आदमी है, कि आप ये कैसे बात कह सकते हो? नहीं यहाँ कोई पुलिस की व्यवस्था, यहाँ से वहाँ तक हमें कोई पुलिस नहीं दिखी, तो आप ये बात कैसे कह रहे हो कि भाई आप पे फायर नहीं हुआ? बोले अगर फायर चलता तो उसकी वो जो खोल है वो मिलता, उनका ढक्कन मिलता यहाँ पर। मेरे को सर इसमें मेरे को क्या पता भाई, क्या उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है? हमें तो इतना बता दो पिस्तौल थी वो। हाँ ये है, उन्होंने फायर किए हैं, पिस्तौल थी, तीन फायर किए हैं उन्होंने जी। तो पुलिस ने भी कोई संतोषजनक जवाब आपको दिया? संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया। हम वहाँ से फिर थाना में बुलाए गए, वहाँ से उन्होंने जैसे मतलब अपना जो है फॉर्मेलिटी पूरी की है, पूछताछ की है, हमसे ज़्यादा पूछताछ की है, भाई तुम कहाँ गए थे, कहाँ से आए हो, ठीक है, और जैसे वहाँ तो गोली चली नहीं, तो इस प्रकार की जैसे उन्होंने वो कही है। फिर उन्होंने बोला ठीक है हम आप FIR वगैरह कर लेंगे, आप सुबह आ जाना। और भी आपकी जो बहन है वो भी होंगी हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद, हाँ हाँ, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ आए एक बार, आप बताएं कल रात में क्या हुआ? कल रात में चार लड़के थे बाइक पे, दो बाइक थी उनके पास, तो ये इसकी बाइक ही तो आगे की गाड़ी थी, हमारे पीछे थी, तो इसकी तो इसने आगे निकाल ली, फिर बाद में हम तो हमारी मतलब आगे ही थी गाड़ी, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा वहाँ जाके, तो इसके थप्पड़ मारे और सिर पे, और फिर मैंने किलकी मारी बहुत जोर की, और मैं वहाँ से मैंने भाई रोक रहे थे, बोले थम तो निकल लो यहाँ से, पिस्तौल दिखा दिया हमें, मैं निकल लो, मैंने बोली मैं नहीं जाऊँगी, मैं रोक ली गाड़ी, कुछ देखा जाएगा, तो यहाँ गाड़ी रोक ली, तो मैंने उतर के आगे मैं भाई चाबी दे दो इसको, मैंने हाथ जोड़ लिया उसके आगे, मैं भाई चाबी दे दो इसको, अरे नहीं तो मार देंगे गोली, फिर मैंने चाबी दे दी खोस के और उससे दे दी चाबी, और लेके इतनी देर में चला गया। क्या क्या उसमें आपके बैग में सामान था, और आपकी जो बाइक चोरी गई है उसके अलावा दूसरी बाइक भी आप लोगों के पास थी, क्या उसको चोरने की कोशिश नहीं हुई? नहीं की उसको चोरने की कोशिश नहीं की, पुरानी बाइक थी सर, पुरानी थी वो बाइक। आपको भी पुलिस ने बुलाया होगा, आपको क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कहा था फायरिंग हुई थी, मैंने कहा था हुई थी फायरिंग, और वो उसने कहा नहीं फायरिंग नहीं हुई, मैं मार देता तब भी आप तो यही कहते हो फायरिंग नहीं हुई, यही कह देते हो। अभी पुलिस कोई कार्रवाई करी है नहीं करी? नहीं की है अभी तो कुछ, कोई कार्रवाई नहीं चल रही अभी पुलिस नहीं की, कोई पूछताछ नहीं की है। क्या आप हमें जो वारदात की जगह है वो दिखा सकते हैं? बस यही है सर, ये जो सामने है ना यही जगह है, यहाँ है शाम को जैसे पुलिस भी आई थी, उन्होंने हम जो जिसके मतलब निशान भी थे, जो इसके टायर हैं मोटरसाइकिल के, इनके निशान थे, जस्ट यही जगह है। और PCR के ये जो टायर हैं ये PCR के ही हैं जी जी, ठीक है। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं जो टायर के निशान आपको नज़र आ रहे हैं, इनको ये बता रहे हैं कि PCR के टायर के निशान हैं, और यहीं जो वारदात की जगह है वो यहाँ है, बाकायदा इनके द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया था, और चार लड़के वो मौजूद थे, और उन्होंने इनकी बाइक को छीना, और पीछे जो बैग था उसको भी साथ लेके वो फरार हो गए, और इनके ऊपर गोलियां भी चलाई गई, जो कि इन्होंने कानून व्यवस्था से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चूँकि हम थे किसी प्रकार बच गए, अगर कानून ने जैसे प्रशासन ने अगर इन पर लोगों पर अगर सख्त कार्रवाई नहीं की तो ये बहुत जल्दी बहुत बड़े अंजाम दे सकते हैं और देंगे, ठीक है। उनके उनके जो हाव भाव से पता लग गया था हमें, अब उन्होंने इतनी जल्दी तीन राउंड फायर कर दिया हम पर, ठीक है। तो अगर जैसे अगर पुलिस प्रशासन अभी से उनके ऊपर अगर कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो इस कोसले में बहुत बड़ी वारदात होने वाली है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं इनका कहना है कि इनको भी जो अंदेशा है वो यही है कि आने वाले समय में कोई बड़ी वारदात यहाँ पे हो सकती है, और इसी का जवाब जानने के लिए हम अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ से भी जानने की कोशिश करेंगे। पुलिस का कहना है कि अभी केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस समय वो कोई भी जवाब नहीं दे सकते, अब आने वाला समय ही बताएगा कि केस का क्या होता है। मैं अपने सहयोगी कमल के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा।